ओके बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आज आप ये बोर्ड देख के समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। हमारे स्कूल में दिसंबर में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एंड उन्हीं में से एक है जेवियर फेयर। जेवियर फेयर में एक्चुअली बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, फन इवेंट्स होते हैं, जिसको एक एक दो दो क्लास होस्ट करती है एक गेम बना के। आप पेरेंट्स, किड्स, सीनियर्स, जूनियर्स सब लोग आके मजे ले सकते हैं। जेवियर फेयर कुछ पिछले सालों से नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन जो हुआ था। आई रिमेम्बर ये लास्ट थर्ड में हुआ था, जब मैं थर्ड में था एंड अब मैं सेवन्थ में आ गया हूँ, तो बहुत टाइम हो गया है। जेवियर फेयर एक फंड रेस करना चाहता है, जो हम लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो जेवियर ब्रदर्स हैं, उनकी फीस को भरने के लिए, उनकी फीस को सपोर्ट करने के लिए ये फंड रेस हो रहा है। तो इस गेम का नाम है पोकेमॉन परसूट। ये है मेरे प्लेइंग कार्ड्स जिनसे हम खेलेंगे। इसमें बहुत सारे, इसमें टोटल 12 कार्ड्स हैं, तो इन कार्ड्स हम खेलेंगे। ये वो कार्ड्स हैं जो रिवॉर्ड में मिलेंगे, जो जीतेगा, जो प्लेयर जीतेगा ये उसको मिलेगा। एंड जो हारने वालों में से होंगे, जो हमारे फर्स्ट कस्टमर होंगे, कुछ फर्स्ट कस्टमर्स, ये हम उनको देंगे एज पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड। तो अब मैं आपको इस गेम का फंडा समझाता हूँ। इस गेम में 12 कार्ड्स होंगे, तो इसमें 12 कार्ड्स हैं, दिस पे भी 1v1, तो मैं 6 कार्ड्स रैंडमली बांट देता हूँ। तो ये जो 6 कार्ड्स है, ये होंगे रिजर्व कार्ड्स, जो हमारे रिजर्व में रहेंगे। वो भी 6 कार्ड्स हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनमें से कोई भी एक कार्ड को रख देना अपने एक्टिव कार्ड के पोजीशन में। सो ये एक्चुअली मैटर करता है। तो हमारे जो ये है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डिस्कार्ड कार्ड एंड डिप्लॉय कार्ड्स, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो अब हमें जो बचे कुछ कार्ड्स हैं उनमें से एक को उठा के फ्रंट पे रख देना है एज अ वाइल्ड पोकेमॉन। तो ये हमारा वाइल्ड पोकेमॉन है, हमें इसे कैच करना है। तो अब क्या करना होगा, हमें जो प्लेयर होगा उसको यहाँ से डाइस उठाना है और रोल करना है। अगर उसका 1, 2, 3 के नंबर के बीच में आया तो उसका सक्सेस है कार्ड, वो अपने डिप्लॉय में डाल सकता है। अगर उसका सक्सेस 4, 2, 6 में आया तो उसका फेलियर होगा, तो वो उसको डिस्कार्ड में डालना है। तो डाल के देखते हैं, मेरा 6 आ गया, आप देख सकते हैं, तो मैं इसको डालूंगा डिस्कार्ड में। अब क्या होता है, अब एक और सिनेरियो होता है, जो ये 4 कार्ड्स हैं, अगर मैं इनमें से कोई एक कार्ड को इस कार्ड के नीचे डाल दूंगा तो मुझे एक और चांस मिल जाएगा डाइस रोल करने का। जैसे कि आप देख लीजिए मेरा 5 आ गया, वैसे भी मेरा लक बहुत ख़राब है, पर अगर आपकी टाइपिंग सेम होगी, जैसे इसकी बॉर्डर है एंड इसकी ड्रैगन है, तो आपको एक और चांस मिलेगी, बट है नहीं क्योंकि मेरा लक खराब है। कोई नहीं, ऐसे आपको गेम खेलना है, और जिसका तीन कैच है, फिर जिसका सारा कैच खत्म होने पे सबसे ज़्यादा कैच होंगे, वो ये गेम जीत जाएगा। जो ये गेम जीतेगा उसको एक रेयर कार्ड मिलेगा, जो ऑलमोस्ट 500 के ऊपर से के अबव से वर्थ शुरू होता है। सो आपको मेरा गेम कैसे लगा, आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।